Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. Here's the topic, और आज हम जो है सिट्रस के मेजर पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो पेस्ट है वो है शूट साइलेट डाइफोरिना सिट्री, जो है इसका साइंटिफिक नेम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेस्ट जो है ये सिट्रस का है. इसके होस्ट रेंज की बात की जाए तो सिट्रस के अलावा ये उन प्लांट्स में जो कि रूटेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स हैं, एज द सिट्रस बिलोंग्स टू रूटेसी फैमिली. रूटेसी फैमिली को जो है सिट्रस बिलोंग करता है, रूटेसी फैमिली का प्लांट है, तो उन प्लांट्स में जो कि रूटेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं उनमें ये जो है यूजुअली फ्रिक्वेंटली अटैक करता है. इसके डैमेज सिम्टम्स जो होते हैं निम्फ और अडल्ट, ये टेंडर शूट से जो है सैप को बेसिकली फीड करते हैं, जिसके कारण लीव्स में जो है लीफ कर्ल होने लगती है, ड्राई होने लगती है, इवेंचुअली दे ड्रॉप फ्रॉम दी प्लांट. तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं. इसके मैनेजमेंट के लिए जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उनको कंजर्व किया जाता है फील्ड में. नेचुरल एनिमीज बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स जो होते हैं टेट्रास्ट्रिकस जो है, टेट्रास्ट्रिकस एक नेचुरल एनिमी है शूट साइलेट डाइफोरिना सिट्री का, तो वो जो है बेसिकली यूज किए जाते हैं फील्ड में कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ डाइफोरिना. इसके अलावा देखिए इंसेक्टिसाइड नीम सीड कंड्राल एक्सट्रैक्ट 5% और नीम ऑयल 10 लीटर जो होता है 10 लीटर, इसका जो है एप्लीकेशन दिया जाता है, या फिर डाइमेथियॉट का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है. डाइमेथियॉट एक इंसेक्टिसाइड है. इसके अलावा मोनोकोटापॉज, मिथाइल जेमेटॉन, क्विनफोज, इमाइडोक्लोरोपेट, तो इनका जो है एप्लीकेशन फील्ड में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द इन्फेस्टेशन ऑफ द इंसेक्ट. ये जो एप्लीकेशन दिया जाता है एक होता है मार्च के टाइम पे और एक दिया जाता है सेप्टेम्बर के टाइम पे. तो एक जो है मार्च में और एक सितंबर में दिया जाता है इसका एप्लीकेशन. तो ये जो है इसके सिम्टम्स हैं डाइफोरिना सिट्री के, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ सिट्रस और दी फैमिली ऑफ रूटेसी. रूटेसी फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट का जो है ये एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है. उसके बाद देखिए सिट्रस लीफ माइनर. सिट्रस लीफ माइनर की होस्ट रेंज जो है वो सिट्रस, प्यूमलो, विलो, सिनेमन, ठीक है, लॉरेंथस स्पीसीज, तो ये जो है बेसिकली इसके होस्ट प्लांट हैं. और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लार्वा जो होता है दे बेसिकली माइंस इनटू, माइंस मतलब कि छोटे छोटे होल्स जो हैं ये क्रिएट करते हैं बेसिकली लीव्स के ऊपर, जिगजैग गैलरीज, टनलिंग जिसे कहते हैं, इस तरह की जिगजैग गैलरीज आपको देखने को मिलेंगी लीव्स के ऊपर. फीड करते हैं ये लीव्स के टिश्यूज के ऊपर फीड करते हैं, और जो अदर टिश्यूज होते हैं फीड करने के बाद जो है वो लीफ में ही इंटैक्ट होते हैं. देखिए इन्फेस्टेड लीव जो होती हैं वो टर्न, बेसिकली दे टर्न पेल येलो, पेल कलर जो होता है डिस्कलरेशन लीव्स में होने लगता है, और वो जो है ड्राई होने लगती हैं. ड्राई होने के बाद जो है प्लांट से गिर जाती हैं. देखिए लार्वा जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय फंगस एंड बैक्टीरिया कॉजिंग सिट्रस कैंकर. देखिए लार्वा का जो डैमेज होता है उसके डैमेज होने के बाद प्लांट में जो है सिट्रस कैंकर जैसी डिजीज जो है वो होने लगती है. तो ये जो दोनों सिट्रस कैंकर और लीफ माइनर, ये दोनों जो हैं इसके जो डैमेज होता है लीफ माइनर के डैमेज करने के बाद प्लांट में सिट्रस कैंकर जैसी डिजीज जो होती है, फंगल या फिर फंगल डिजीज जो होती है या बैक्टीरियल डिजीज होती है, वो जो है प्लांट में होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. तो इसका जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो डिजीज होती है लार्वा के डैमेज करने के बाद. इसका डैमेज जो होता है बेसिकली डिजीज के लिए जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है. देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए नीम सीड कंडाल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे होता है. नीम के एक्सट्रैक्ट जो होता है 5% या नीम ऑयल जो होता है, या फिर इमाइडोक्लोरोपिड इंसेक्टिसाइड, इनमें से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है. उसके अलावा डाइक्लोरोवॉस या डिमेथियॉट का भी एप्लीकेशन दिया जाता है. तो ये सारे जो है बेसिकली पर ट्री जो है इनका एप्लीकेशन प्लांट को दिया जाता है. तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है. ठीक है, देखिए ये वाला जो सेंटेंस है वो इसी के ही आगे का सेंटेंस है.
फाइन। और ये देखिए इसके फ्रूट के ऊपर इस तरह के सिम्टम्स और लीव्स के ऊपर जो जिगजैग पैटर्न्स और गैलरीज होती हैं वो लार्वा बेसिकली फॉर्म करता है। तो लीफ माइनर अनदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ सिट्रस। उसके बाद देखिए सिट्रस ब्लैक फ्लाई, देखिए सिट्रस ब्लैक फ्लाई जो है स्वीट ऑरेंज, एवोकाडो, ग्रेप वाइन, मैंगो, गुआवा, पेयर, प्लम, इनमें भी अटैक करता है। और इसमें भी जो निम्फ और अडल्ट होता है वो बेसिकली जो सैप होता है उसको पूरी तरह से फीड कर जाता है, जिसके कारण इस तरह देखिए ब्लैक सिम्टम्स और कर्लिंग ऑफ लीव्स, प्रीमेच्योर फॉल डाउन ऑफ फ्लावर बर्ड्स और डेवलपिंग फ्रूट्स। जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं या जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं वो भी जो है प्लांट से गिरने लगती हैं। देखिए मैनेजमेंट एक्सेप्ट इरिगेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड पेस्टिसाइडल स्प्रेज आर अवॉइडेड। देखिए यहाँ पे जो है एक्सेसिव इरिगेशन अवॉइड किया जाता है, नाइट्रोजन का जो है एक्सेसिव यूज जो है अवॉइड किया जाता है, और पेस्टिसाइडल स्प्रे जो होते हैं एक्सेसिव किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बैलेंस किया जाता है फर्टिलाइजर का डोज बैलेंस किया जाता है। उसके अलावा देखिए जो स्प्रे होता है नीम ऑयल का या फिश ऑयल, रोजिन सोप का, क्विनफोस का, मोनोक्रोटोपॉस का या मिथाइल डेमेटोन का, इनमें से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का, इथियन का, इनका एप्लीकेशन फील्ड में दिया जाता है। और ये एप्लीकेशन जो है मई और सितंबर के टाइम पे दिया जाता है। ठीक है, ट्राइजोफोस भी जो है एक इंसेक्टिसाइड है, तो इनमें से किसी भी एक जो है केमिकल का यूज किया जाता है टू मिनिमाइज द अटैक ऑफ सिट्रस ब्लैक फ्लाई और टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ सिट्रस ब्लैक फ्लाई। ये जो है अप्रैल मई और सितंबर अक्टूबर दो टाइम पे जो है इसका स्प्रे दिया जाता है। तो चलिए ये था सिट्रस ब्लैक फ्लाई ऑफ सिट्रस ब्लैक फ्लाई इंसेक्ट। उसके बाद देखिए सिट्रस व्हाइट फ्लाई। देखिए सिट्रस व्हाइट फ्लाई जो है, व्हाइट फ्लाई बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप में और फ्रूट क्रॉप में बहुत ज्यादा प्लांट्स को जो है ये डैमेज करती है। प्लांटेशन में, कॉफी में देखिए, जैस्मिन में, फ्लावर में, पोमग्रेनेट में, ट्री ऑफ हेवन, वाटर ओक में, पर्सिमोन में, तो ये बहुत सारे प्लांट्स में, बहुत सारे क्रॉप में आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसे जो डैमेज कॉज करती है मोल्ड फंगस विच ग्रो ओवर फ्रूट। देखिए ये जो है कुछ फंगस टाइप ग्रोथ जो है प्लांट के ऊपर या अफेक्टेड पार्ट्स के ऊपर जो है ग्रो करती है। फोलिएज जो है उसमें हनी ड्यू सिक्रेशन आपको दिखेगा व्हाइट फ्लाई के डैमेज के कारण, वो देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया कि हनी ड्यू सिक्रेशन जो इंसेक्ट सिक्रेट करते हैं उसके कारण जो है प्लांट में अदर डिजीज होने की जो पॉसिबिलिटी होती है, फंगल डिजीज बेसिकली जो होती है उनके लिए एक जो है फेवरेबल कंडीशन वहां पे क्रिएट हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल जो है प्लांट के लिए होता है। देखिए इन्फेस्टेड ट्री जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस स्मॉल क्रॉप एंड इन्फीरियर फ्रूट जो होते हैं वो जो है प्रोड्यूस करते हैं। फ्रूट बहुत ही स्मॉल होता है, उसमें कंटेंट, जूस कंटेंट बहुत ही जो है वो मिनिमम होता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिट्रस व्हाइट फ्लाई के होते हैं। देखिए सिट्रस व्हाइट फ्लाई इस तरह से होती है, ये पहले भी हम जो है बहुत सारे क्रॉप में डिस्कस कर चुके हैं, फील्ड क्रॉप में भी हमने व्हाइट फ्लाई को डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से लीव्स में जो है सिम्टम्स अपेयर होने लगते हैं। देखिए मैनेजमेंट के लिए रेगुलर प्रूनिंग, प्रूनिंग जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं उनको इमीडिएटली प्लांट से अलग किया जाता है। नेचुरल प्रेडेटर्स जो होते हैं उनको जो है कंजर्व किया जाता है फील्ड में, और केमिकल्स सिट्रस ब्लैक फ्लाई के लिए जो है रेफर किए जाते हैं। जो ब्लैक फ्लाई के लिए रेफर किए गए और केमिकल्स होते हैं वही जो है सिट्रस व्हाइट फ्लाई में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्विनफोस हो गया या मोनोक्रोटोपॉस हो गया, ट्राइजोफस हो गया, ठीक है, इथियन हो गया, तो ये सारे इनमें से कोई भी एक जो इंसेक्टिसाइड होता है, देखिए कोई इंसेक्टिसाइड अलग होगा लेकिन मोनोक्रोटोपॉस, क्विनफोस ये कॉमनली यूज होने वाले जो है इंसेक्टिस, इमिडाक्लोरोपिड भी जो है वो भी कॉमनली यूज होता है, तो ये सारे जो हैं वो कॉमनली यूज होने वाले होते हैं। या फिर नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट, नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट हो गया या नीम ऑयल हो गया, ठीक है, नीम के एक ऑयल हो गया, तो ये जो हैं ये कॉमनली यूज होने वाले इंसेक्टिसाइड होते हैं जिनका यूज किया जाता है एक सर्टन लेवल ऑफ डैमेज के बाद जो है इन केमिकल का यूज कॉमनली किसी भी प्लांट में किया जाता है। तो ये है सिट्रस व्हाइट फ्लाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फ्रूट पायरेसिंग मॉथ। फ्रूट पायरेसिंग मॉथ जो होता है ये मैंगो, ग्रेप और एप्पल में भी जो है अटैक करता है, और ये सबसे ज्यादा डैमेज देखिए फ्रूट को करता है। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं आपको देखने को मिलेंगे, बेसिकली ये बोर करता है फ्रूट के ऊपर, मतलब फ्रूट के ऊपर जो है इस तरह के होल्स ये क्रिएट करता है, पायरेसिंग करता है, और जो जूस होता है फ्रूट के अंदर उसको बेसिकली पूरी तरह से फीड कर जाता है उसके ऊपर।
पिन होल डैमेज, पिन होल डैमेज मतलब इस तरह के होल्स आपको जो है छोटे छोटे होल्स देखने को मिलेंगे। देखिए जो स्टेम बोरर होता है वो बहुत ज्यादा बड़े होल्स जो है ट्रंक के ऊपर करता है, पर यहाँ पे पिन होल इसलिए कहा गया है कि ये बहुत ही स्मॉल जो है पिन होल टाइप जो है बेसिकली होल्स होते हैं जो कि डैमेज सिम्टम्स होते हैं फ्रूट पायरेसिंग मौत के। देखिए बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन जो है इसके कारण होता है, जब ये अटैक करता है तो उसके कारण फ्रूट में जो है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्रूट बेसिकली जो है इस तरह के येलो कलर का और इस तरह के ब्राउन कलर के सर्कुलर पैचेस जो है फ्रूट के ऊपर देखने को मिलते हैं, और ये जो है बेसिकली रॉट होके प्रीमेच्योरली फील्ड में जो है गिरने लगते हैं प्लांट से, और सीवियर केसेस में जो ऑल फ्रूट्स आर लॉस्ट मतलब पूरे के पूरे फ्रूट जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देखिए इसके लिए मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो वीड होस्ट प्लांट होते हैं टिनोस्पोरा हो गया, टिनोस्पोरा कॉडी कॉडीफोलिया या कॉक्यूलस हो गया, ठीक है, इनको जो है सिट्रस के ऑर्चर्ड से अलग किया जाता है, रिमूव किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद देखिए बेट विथ फर्मेंटेड मोलेसिस और जैगरी के साथ मेलाथियन का एक सोल्यूशन बनाया जाता है जो कि मॉथ्स को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह के सोल्यूशन जो है ये बेसिकली अप्लाई किए जाते हैं प्लांट में, ठीक है। उसके बाद देखिए स्प्रे किया जाता है, कार्बरिल का स्प्रे किया जाता है, ये मेच्योरिटी के टाइम पे जो है ये एप्लीकेशन दिया जाता है। तो ये है फ्रूट पायरेसिंग मॉथ के लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस। उसके बाद देखिए लाइम या ऑरेंज ट्री बोरर, देखिए ये जो है स्टेम बोरर की तरह ही होता है, इसके जो डैमेजिंग सिम्टम्स होते हैं जो ग्रब होता है वो इस तरह से स्टेम में बोर करता है। देखिए इस तरह के सिम्टम्स आपको जो है लाइम के या ऑरेंज के स्टेम में देखने को मिलेंगे, जिसके कारण विल्टिंग होने लगती है ब्रांचेस की, ड्राइंग होने लगती है, अर्ली स्टेज में जो है आपको शूट्स की ड्राइंग देखने को मिलेगी। उसके बाद गम एग्जुडेशन, देखिए सिट्रस के प्लांट में गम एग्जुडेशन आपको जो है गम सीक्रेशन प्लांट के ऊपर देखने को मिलता है, एक गम लाइक सब्सटेंस जो होता है ब्राउन कलर का एक जो है थिक सब्सटेंस देखने को मिलता है, तो वो जो है वुड पाउडर एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है अटैक के सिम्टम्स होते हैं इंसेक्ट के। बेसिकली जब इंसेक्ट जो है फीड करना ट्रंक के ऊपर स्टार्ट करता है या इस तरह से बोर करता है तो उसके कारण ट्रंक से जो है एक गम लाइक सब्सटेंस सीक्रेट होता है जिसे गम जिसे ब्लीडिंग भी कहते हैं, गम ब्लीडिंग। तो इस तरह के जो सीक्रेशन होते हैं वो इंसेक्ट के अटैक से जो है होते हैं या किसी भी तरह की डिजीज जो होती है उसके इन्फेक्शन से होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं लाइम और ऑरेंज ट्री बोरर के होते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए फ्रेश जो होल्स होते हैं उनको कॉटन सोक्ड मोनोक्रोटोपॉज, देखिए स्टेम बोरर में भी हमने देखा था कि कॉटन में मोनोक्रोटोपॉज का एक सोल्यूशन जो है अप्लाई किया जाता है, उसे होल्स में अप्लाई करके होल्स को मड या क्ले से कवर कर दिया जाता है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से कवर कर दिया जाता है। यहाँ पे भी जो है स्टेम में पैडिंग की जाती है विद मोनो क्रोटोपॉज, या फिर जो है जो होल्स होते हैं उनमें इंजेक्शन दिया जाता है इनके सॉल्यूशन का। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं लाइन और ऑरेंज ट्री बोरर के लिए। देखिए नेक्स्ट जो इंसेक्ट है ये है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो है प्रीवियस लेक्चर मैंगो में भी हमने डिस्कस करा है, और इट इज सेम एज मैंगो, जिस तरह के डैमेज सिम्टम्स ये मैंगो में करता है उसी तरह के डैमेज सिम्टम्स जो है ये सिट्रस में भी करता है। ये सिट्रस के ट्रंक को जो है बेसिकली ट्रंक में टनलिंग करता है, उसमें फीड करना स्टार्ट करता है, जिगजैग गैलरीज जो है बेसिकली ये फॉर्म करता है। तो ये सारे सिम्टम्स मैंगो की तरह ही हैं, और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी जो है मैंगो की तरह ही है। आयरन रॉड को इंसर्ट करके टनल से जो है कैटरपिलर को एलिमिनेट किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। इंजेक्शन थायलिन ग्लाइकॉल और केरोसिन का जो है इंजेक्शन ट्रंक में दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, ठीक है, और कॉटन बॉल को जो है फ्यूमिगेंट में किसी भी एक फ्यूमिगेंट में पेट्रोल केरोसिन में जो है बेसिकली डिप करके या ड्रेंच करके जो होल्स होते हैं वहां पे इसका एप्लीकेशन दिया जाता है, एंड देन इट विल बी कवर्ड विद क्ले और मट। तो ये सारे जो सिम्टम्स और मैनेजमेंट है सेम एज सिट्रस ही है, सॉरी सेम एज जो है मैंगो ही है, जैसे हमने मैंगो में डिस्कस करा था वैसा ही सिट्रस में भी है। देखिए उसके बाद सिट्रस का जो मेजर इंपॉर्टेंट पेस्ट है वो है सिट्रस बटरफ्लाई, ठीक है, पेपिलियो डिमोलियस। देखिए ये जो है सिट्रस और अदर रूटेसी प्लांट्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स देखिए यंग लार्वा जो होता है वो अपर सरफेस ऑफ द लीव्स में फीड करता है, देखिए कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से ये लीव्स के जो है सिट्रस की लीव्स के ऊपर देखने को मिलेगा और लीव्स के ऊपर फीड करता जाता है।
लीफ लेमिना फ्रॉम मार्जिन टू मिडरिप, इस तरह से देखिए, इस तरह से ये वाला पोर्शन इसने फीड कर चुका है, देखिए इस तरह से। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। और ग्रोन अप लार्वा जो है वो मैच्योर्ड लीव्स के ऊपर जो है फीड करते करते सीवियर डिफोलिएशन ऑफ द एंटायर प्लांट जो है, सीवियर कंडीशन में बहुत ज्यादा जो डिफोलिएशन होता है, मतलब जो फोलिएज होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और डैमेज हो जाता है विद द सीवियर अटैक ऑफ सिट्रस बटरफ्लाई। देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए हैंड पिक वेरियस स्टेजेस ऑफ द पेस्ट इन नर्सरीज टू न्यू ऑर्चिड, मतलब जो पॉपुलेशन कलेक्टेबल होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में हैंड पिकिंग की जाती है, एन इंसेक्ट की हैंड से पिक करके इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके अलावा देखिए एंटोमैगनस फंगस जो होता है उसका स्प्रे बैसिलेथ्रोजेनेसिस 1 ग्राम पर लीटर निमेटोड DD136 स्ट्रेन और नीम सीट जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका बेसिकली जो है एप्लीकेशन दिया जाता है। इसके अलावा देखिए एंडोसल्फान क्विनफोस कार्बरिल इनका एप्लीकेशन जो है अप्रैल अक्टूबर के टाइम पे दिया जाता है फील्ड में, ड्यूरिंग अप्रैल, एक अप्रैल के टाइम पे और एक अक्टूबर के टाइम पे, मतलब दो टाइम दिया जाता है अप्रैल के बाद अक्टूबर में। और देखिए इसके सिम्टम्स लीव में इस तरह से जो है ये पूरी पूरी लीव्स को डैमेज कर देता है, इवन पूरे प्लांट की लीव्स के ऊपर ये फीड कर जाता है इन सीवियर कंडीशन में। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पेस्ट है, नेक्स्ट इंसेक्ट है सिट्रस का, वो है ऑरेंज ट्रंक बोरर। ऑरेंज ट्रंक बोरर एनोप्लोफोरा, एनोप्लोफोरा के डैमेज सिम्टम्स सेम एज जो स्टेम बोरर होता है, जिस तरह से हमने जो है अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था सिट्रस के, उसी तरह से जो है ये ऑरेंज ट्रंक बोरर होता है। ये भी जो है टनलिंग करता है, मतलब कि ये जो है फीड करता है बेसिकली बार्क के ऊपर, स्टेम के ऊपर, ट्रंक के ऊपर। देखिए इंटरनल कॉन्टेंट जो होता है ट्रंक का रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द ट्री, और अडल्ट फीड करते हैं लीफ टिश्यू के ऊपर, लीव्स के ऊपर भी फीड करते हैं ट्रंक के साथ साथ जो अडल्ट होते हैं। और कीपिंग मार्जिन इंटैक्ट, मतलब आपने देखा होगा कि लीव्स में जो लीव्स का जो पार्ट होता है वो पूरा कंप्लीटली जो है जो एडल्ट होते हैं वो कंप्लीटली उसे फीड कर देते हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं या जो मिडरिप होता है वो प्लांट में ही रहता है। तो इसी का मतलब है कि कीपिंग मार्जिन इंटैक्ट, जो कि जो सैप होता है, जो टेंडर पार्ट होता है उसे कंप्लीटली जो है ये फीड कर देते हैं, और जो ग्रब होता है वो इस तरह के टनलिंग जो है बार्क के ऊपर, स्टेम के ऊपर करता है। देखिए इस तरह से टनलिंग करता है, जो है गैलरीज फॉर्म करता है। और इसके मैनेजमेंट के लिए देखिए जो इन्फेस्टेड ब्रांचेस होती हैं उनको कंप्लीटली प्रून कर दिया जाता है। देखिए सिट्रस में टाइमली प्रूनिंग की जाती है, तो प्रूनिंग में वो पार्ट्स भी अलग किए जाते हैं जो जो है किसी भी इंसेक्ट या किसी भी डिजीज से अफेक्टेड होते हैं, इसीलिए जो है सिट्रस में टाइमली प्रूनिंग करके उनको एलिमिनेट किया जाता है। उसके अलावा देखिए जो बोर होल्स होते हैं जहां पे बोरिंग की होती है ग्रब ने, टनल फॉर्म किए होते हैं, वहां पे कॉटन बॉल से सोक करके मोनोक्रोटोपॉल्स का एप्लीकेशन दिया जाता है, या फिर इंजेक्शन के थ्रू जो है मोनोक्रोटोपॉल्स का एप्लीकेशन वहां पे दिया जाता है, और फिर उस एरिया को जो टनल्स होते हैं या जो बोर होल्स होते हैं उनको मड या क्ले की हेल्प से कवर कर दिया जाता है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं। तो ये थे सिट्रस के मेजर पेस्ट जो कि हम डिस्कस करें। तो यहाँ